हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 12 बायोलॉजी क्लास इन विच आई वांट टू डिस्कस यू अबाउट द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन लेवल एंड योर बोर्ड लेवल एंड योर नॉलेज लेवल ऑल्सो. स्पर्मेटोजेनेसिस, एज यू नो, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द मेल बॉडी. एंड ओजेनेसिस प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ओवास आर फॉर्म्ड इन द फीमेल बॉडी. What is the difference between the oogenesis and spermatogenesis? Look here. At the puberty stage in male body, spermatogenesis process start at puberty stage through in which the spermatogonia cells of the testis divide mitotic divisions and increase their number. One cell divided into two cells and two cells becomes now into the four cells. And these cells are known as the primary स्पर्मेटोसाइट्स. और ये जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं, ये आपका फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन करेंगी, जिसके थ्रू इनमें क्या होगा, वन सेल से टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा. और ये जो वन सेल है, ये फिर से आपका अगेन डिवाइड होकर टू सेल्स बनाएगी. तो यानी आपका जो क्रोमोसोम का नंबर है, वो अब आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका डिवाइड हो जाएगा. जो पहले 46 था, डेट विल नाउ 23. एंड आफ्टर डैट सेकेंड म्यूसिस डिवीजन हैपन इन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू विच स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड. एंड दीज स्पर्मेटिड्स नाउ अटेन देयर ग्रोथ एंड चेंज इन टू दी स्पर्मेटोजोआज और वी ऑल्सो कॉल दैम स्पर्म्स वैन दे बिकम्स मेच्योर. तो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि प्यूबर्टी स्टेज पर मेल बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट होती है. व्हाइल लुक हियर इन द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर जो ओगोनिया सेल्स हैं ऑफ द ओवरीज, वो फीटल लाइफ में, यानी जब गर्ल बेबी मदर के वॉर्म में होती है, तो उसी टाइम पर उसकी बॉडी में जो ओगोनिया सेल्स हैं वो डिवाइड होकर अपना जो नंबर है उनको इंक्रीज करना शुरू कर देती है थ्रू द माइटोसिस डिवीज़न. और उसके थ्रू आपका क्या बनता है, प्राइमरी ओसाइट्स बन जाते हैं. यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है और चाइल्डहुड होता है, तब तक उसकी बॉडी के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो आपके बन चुके होते हैं. एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, फीमेल बॉडी के अंदर जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है, तब उनके अंदर जो वो प्राइमरी ओसाइट्स हैं, अब वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखिए लिखा भी है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन. जो पहला मियोसिस डिवीज़न होगा वो ओव्यूलेशन से पहले ही हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर. यानी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आपका प्यूबर्टी स्टेज पर जो है आपका हाफ होना शुरू होता है. यहाँ आपका क्या बना, प्राइमरी ओसाइट से पहले आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और फिर सेकेंडरी ओसाइट बना. और सेकेंडरी ओसाइट आपका क्या कर रहा है, जब आपकी फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है वो आपकी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो इन ईच मंथ ईच ओवरी प्रोड्यूस वन ओवा, एक ही ओवा रिलीज करेगी जो फीमेल बॉडी है. और वो कब करेगी, आफ्टर द प्यूबर्टी स्टेज. तो यही बेसिक डिफरेंस है कि मेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी स्टेज पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है, जबकि फीमेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी स्टेज पर जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है. इट इज़ द बेसिक डिफरेंस डैट आई वॉन्ट टू डिफाइन यू. और लुक हियर इन दिस प्रोसेस, जो आपके प्राइमरी सेकेंडरी ओसाइट्स है उसके सराउंडिंग क्या बनना शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल्स, और नाउ दे बिकम्स चेंज इन टू दी ग्रेफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर्स. ये ग्रेफियन फॉलिकल है, इसके अंदर ये क्या है, आपका ओवा है. और ये ओवा आपका जब मैच्योर हो जाता है, रिलीज हो जाता है इन टू द फेलोपियन ट्यूब. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन. और इसके बाद ये जो हमारा स्ट्रक्चर रिमेनिंग रह जाता है, डैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. तो ये स्ट्रक्चर आपका और ये लेआउट दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. होप You all understand this processes and this systematic representation of spermatogenesis and oogenesis very well. Thank you so much.